गाइस क्राउन लगाने वाले हो ना तो ये टिप्स नोट कर लो। पल्प हॉर्न्स और ऑक्लूजल सरफेस का डिस्टेंस, ये ना हो फिर रूट कैनाल करना पड़ जाए। इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हो? अगर नहीं करते तो जरूर करना पड़ेगा आपको। गाइडेड प्रिपरेशन के साथ अगर वाइटल दांत है तो एलए देने में कोई बुराई नहीं है। मार्जिनल एडाप्टेशन, टेम्परेरी क्राउन लगाने से पहले एक सुंदर प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, इक्वी जिंजाइवल प्रिपरेशन। एट द सेम टाइम पॉन्टिंग से डिजाइन कैसा है यार, उसके साथ साथ क्रॉस सेक्शन जो सरफेस है कनेक्टर का वो 4 mm तो होना जरूरी है। जिरकोनिया लिशकारे मारेगा तभी मजा आएगा आईवो क्लीन के साथ। ऑक्लूजल कैसा दे रहे हो, चाहे MIP हो या लैटरल एक्सट्रसिव मूवमेंट्स हो, सबसे जरूरी है ध्यान ये रखना है कि वो जो क्राउन एंड पोस्ट ऑफ सेंसिटिविटी से बचने के लिए क्या करेंगे आप, रेजिन मॉडिफाइड GIC जैसे फ्यूजिस्टेम बोलते हैं। तो और जो क्राउन है ना उसमें दम लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लूइड मूवमेंट ड्यूरिंग द डेंटाइनल ट्यूब्यूल से बहुत ध्यान रखना है। ज्यादा ओवर ड्राई करने की जरूरत नहीं है दांत को, तो डिसेंसिटाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको जिरकोनिया की पॉलिशिंग करनी है ना, फ्रॉम कोर्स टू मीडियम डायमंड इम्प्रिग्रेटेड रबर व्हील यूज कर सकते हैं। तो चाहे वो जिरकोनिया की पॉलिशिंग हो, चाहे वो आईवो क्लीन यूज करना हो, चाहे मार्जिनल एडाप्टेशन हो, चाहे अच्छी प्रिपरेशन हो, ध्यान रखना है। क्राउन लेंथनिंग भी कर सकते हो, तो फटाफट नोट कर लो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स अ लॉट।